दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में मिट्टी के बर्तन का विशेष महत्व होता है। मिट्टी के दिए का खास करके लोग अपने घरों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बोरिया स्थित कुम्हार टोली में। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो मिट्टी के सामान हैं वो तैयार हो चुके हैं, मिट्टी के दिए तैयार हो चुके हैं और आखिरी रूप जो है उसमें कलर करके दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, रंग बिरंग के दिए जो है यहाँ पर तैयार किए गए हैं कुम्हारों के द्वारा और यही अब बाज़ार में बिकने के लिए जाएगा। हालांकि अब बाज़ार भी सजने शुरू हो चुके हैं। तो आज हम आ पहुँचे हैं कुम्हार टोली में और आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि अब सब कुछ आधुनिक हो चला है। तो पहले जो हाथों से चाक चलाया जाता था, अब वो चाक भी बिजली के मशीन से चलता है, यानी कि मोटर से चलता है। आप देखिए, ये बिजली का मोटर है और इसी से चाक चलता है। मिट्टी जो तैयार किया जाता है वो भी अब बिजली के उपकरण से ही मिट्टी भी तैयार किया जाता है। देखिए, दिया पकाने के लिए भी एक तरफ जो है जो कुम्हार है वो अपना चूल्हा तैयार किए हुए हैं। अब उसमें जो है वो मिट्टी के दिए जो है जल इकट्ठा करके फिर उसे पकाएंगे और फिर उसको कलर करके बाज़ार तक पहुंचाएंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, इसको पूरा करने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। हम इन युवा कुम्हारों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो कब इस काम को सीखे और कितना इस काम से फ़ायदा है और किस तरह से वो मिट्टी के दिए को जो है बाज़ार तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मेरा राज प्रजापति। राज प्रजापति, क्या पढ़ाई भी करते हैं आप? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। कब कितना तक पढ़े हुए हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? आठ क्लास का। ये बताइएगा, ये जो मिट्टी हाथ से तैयार करते हैं इसको फिर मशीन में भी डालते हैं या फिर यहीं से काम कर लेते हैं? यहीं से करते हैं। लेकिन अब वो हाथ से चलाने वाला चाक नहीं मिलता है, बिजली से ही चलता है। बिजली चलता है, जनरेटर से भी चलता है। कैसा है इस बार का बाज़ार? अभी का बाज़ार उतना अच्छा नहीं है, जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं। अच्छा, जितना तैयार किए थे उतना नहीं बिका है? ना। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्यों बिजली का दिया ज़्यादा खरीदने लगा लोग क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा बन गया दिया, इधर उधर बहुत ज़्यादा बना है इसीलिए। कितने लोग आप लोग हैं परिवार में और काम करते हैं इसमें? हम लोग 20-25 जन हैं। 20-25 लोग हैं, सब यही काम करते हैं मिट्टी का बर्तन बनाने का। अभी भी दिया ही तैयार कर रहे हैं उसमें? दिया ही तैयार हो। एक यादगार कोई ऐसा दिन है, कोई दीपावली है जिसमें आप लोग बहुत बनाए थे और कुछ नहीं बिका था, चाहे वो कोरोना के टाइम में या बारिश की वजह से? नहीं, पूरा बिक गया था। ऐसा दिन नहीं हुआ? आप किस तरह से मनाते हैं दीपावली? अब जैसा सबको बनाता है वैसे ही हम लोग भी बनाते हैं। वैसे ही बनाते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं? अलग का करिएगा, जैसा बनता वैसे ही बनाइएगा। तो बिल्कुल देखिए, तमाम जो परिवार के लोग हैं वो सभी दिन रात मेहनत करके इसमें जुटे रहते हैं और दिए तैयार करते हैं। और भी जो आगे छठ का भी त्यौहार है तो छठ के लिए भी मिट्टी के बर्तन जो है काफ़ी उपयोगी होता है, विशेष महत्व होता है, तो उसको जो है यहाँ से ले जाया जाता है। आगे हम चलकर तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि 20 लोग लगभग हैं इनके परिवार में और सब मिलजुल कर इस काम को पूरा करते हैं। अब देखिए, दिए को जो अंतिम रूप दिया जा रहा है, कलर किया जा रहा है। छोटी सी बच्ची है, उनसे हम जानेंगे आखिर ये कौन सा कलर हो रहा है। ये गोल्डन है? हाँ। कितने कलर में? एक तो ये सिल्वर हो गया, ये गोल्डन हो गया, दो ही कलर करते हैं? दो ही कलर होता है। हाँ। ये छूटता नहीं है? नहीं, हाथ में भी नहीं लगता। हाथ में लगेगा तो नहीं छूटेगा? नहीं छूटता है। कितना दिया एक दिन में आप तैयार कर लेते हैं? हमको उतना नहीं पता। कितना, 100-200 दिया में कलर कर लेते हैं? उससे भी ज्यादा होता है। उससे ज्यादा? तो बिल्कुल देखिए, ये इससे पहले जब कलर नहीं होता है तो ये इस तरह का होता है और जब इसमें कलर हो जाता है तब ये कितना खूबसूरत हो जाता है। ये तस्वीर देखिए, एक ये सिल्वर कलर का हुआ और एक ये गोल्डन कलर का हुआ, काफ़ी आकर्षक दिखता है जब इसमें ये कलर कर दिया जाता है। कितने का ये बिकता होगा? एक उतना नहीं पता हमको, फिर भी 10-20 रुपये? 20-30 रुपये में। 30 रुपये? आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में? 6th क्लास में। ये कौन सिखाया, मम्मी की पापा? मम्मी पापा दोनों।
सिखाए थे पहले, ऐसे ऐसे किया जाता है। हाँ। कितने छोटे थे तब से आप ये बनाना शुरू कर दिए थे? हम लोग 10-11 साल में। 10-11 साल। इस बार दीपावली पे क्या खास करना है? पटाखे छोड़ने हैं? हाँ। तो बिल्कुल, देखिए सब अपने काम में जुटे हुए हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम इन्हें चाहते हैं कि अपने कैमरे के माध्यम से इनकी मेहनत को लोगों तक पहुंचाए कि एक मिट्टी का जो साधारण सा सामान दिखता है आपको, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने दिन से काम करने पड़ते हैं और तब जा कर के वो तैयार होता है और फिर बाज़ार पहुंचता है। और भी जो आगे लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर, देखिए जिधर आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ मिट्टी के जो बने हुए चीज़ हैं वो दिखाई पड़ेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छठ के लिए हैं, कुछ दीपावली के लिए है, तो काफ़ी मेहनत से जो है ये तैयार होता है। और पूरा ये कुम्हार टोली है बोरिया का, सभी लोग जो हैं अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो है तमाम चीज़ें जो है तैयार हो और बाज़ार तक जो है पहुँचाया जा सके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बालेश्वर प्रजापति। बालेश्वर जी, कैसा रहा इस बार का बाजार? इस बार तो बाजार अब कल से शुरू होगा, अभी तो नहीं शुरू हुआ है। कितना तैयार किए हैं दिया लगभग? दिया वही 50,000। 50,000। और क्या क्या चीज़ बनाए हैं इस बार? इस बार खिलौना का आइटम सब बना है। खिलौना का आइटम, खिलौना का डिमांड ज़्यादा रहता है? हाँ, उसका नहीं, धीरे धीरे अब उसका कम होते जा रहा है, पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं। मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? मिट्टी हम लोग लाते हैं इधर बोड़िया बस्ती तरफ से। कितना दिन पहले से शुरू करते हैं दिया बनाना? 3 महीने पहले से। 3 महीने। कितनी आमदनी लगभग हो जाती है इस दीपावली से? पूरे साल का खर्च निकल जाता है? पूरे साल का नहीं निकलता। तो फिर और क्या? पहले जैसा कमाई धमाई अब नहीं है। पहले जैसा नहीं, लेकिन अब तो आधुनिक हो गए सब, जो चाक हाथ से चलाना पड़ता था वो बिजली से चलता है, मिट्टी भी तैयार अब वो मशीन से ही होता है। नहीं तो बिजली का चक्का तो है, मोटर भी है मिट्टी बनाने वाला, लेकिन वही हम लोग को बिजली बिल में फर्क पड़ जाता है, वो महंगा पड़ जाता है। कोई ऐसा दीपावली याद है जो जिस बार आपने बहुत कुछ बनाया था लेकिन बारिश हो गया या ऐसा कुछ हो गया कि कुछ बिका ही नहीं? हाँ। कब हुआ था ऐसा? ये हुआ 2012 में। 2012 में बहुत नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया था। तो फिर उससे डर भी कभी कभी होता होगा कि? डर, एकदम डर लगता है कि मौसम खराब ना कर दे। इस बार दीपावली में क्या कुछ खास कर रहे हैं आप? इस बार वही मतलब बनाने में हम लोग को सहूलियत हुआ, मौसम बढ़िया दिया। इसका डिमांड क्यों घट रहा है? इसका डिमांड इसलिए घटा है कि चाइनीज का जो सामान आ गया, लाइट बत्ती वगैरह वगैरह, उसी से घट गया। लाइट बत्ती आ जाने से दिया का लोग उतना महत्व तो भूल रहा है? हाँ, भूल रहा है धीरे धीरे। जो 100 लेते थे हाँ। वो 25 में डायरेक्ट उतर गए, मतलब आधा से भी कम हो गया है। तो महंगा तो पड़ता है? वो भी महंगा वो पड़ता है, लेकिन क्या पता लोग फैशन से चाइनीज का। हाँ, ठीक है। देखिए ये पूरे परिवार के लोग मिलकर इस काम को करते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। देखिए ये उनकी पत्नी है, बच्ची है, सभी अब एक दूसरे का मदद पहुंचाने में जुटे रहते हैं। और फिर अब यहाँ भी देखिए कलर का जो है काम किया जा रहा है, जो मिट्टी के बर्तन तैयार हुए हैं उसमें आकर्षक कलर जो है वो दिया जाता है ताकि वो और खूबसूरत दिखे और उसका डिमांड जो है बढ़े, ताकि लोग जब बाज़ार में ख़रीदने आए तो उसका उचित मूल्य भी मिले और लोग अपने घरों तक इसे ले जाए। तो ये देखिए जिधर आपकी नज़रें जाएंगे सिर्फ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के जो अलग अलग चीज़ें तैयार की गई है वही आपको नज़र आएंगी। तो ये पूरा इलाका जो है वो कुम्हारों का है, कुम्हारों की बस्ती है, और ऐसे में तमाम जगहों पर इसी तरह की चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।